मेरा नाम सदीक उस्मान है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, यूएस सिटीज़न हूँ। मैं 2020 में यहाँ पे आया गोजरा में, और पाकिस्तान में मैंने को इन्वेस्टमेंट के लिए इकदाम किए। तो एक फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं लियाकत अली कंबो साहब, उन्होंने मुझे एक जगह फ़रोख्त की, जो 3-4 माह बाद पता चला कि वो ये जगह पहले भी किसी को फ़रोख्त कर चुके हैं। उसके लिए मैंने आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने आरआईबी के ज़रिए इसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवाई। वो बंदा गुनाहगार हुआ और उनकी रिकमेंडेशन पे गोजरा थाना सिटी में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। कुछ दिनों बाद समनाबाद में एक डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक हैं, जो डिप्टी MS हैं, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे अज़ीज़ हैं, तो इनकी पेमेंट जो है वो मैं करता हूँ, मैंने सारे इंतज़ाम उनसे पेमेंट के कर लिए। तो मैंने कहा जी मैं उनके ऊपर एतबार नहीं करता। उन्होंने कहा जी ये पेमेंट उन्होंने नहीं देनी, अब मैंने आपको देनी। मैं उनके 3 अदद प्लाट ले रहा हूँ, जो मैं फ़रोख्त करके आपको पैसे उसके अदा कर दूँगा। उसके ऊपर डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब के कहने के ऊपर वो मैंने उस बंदे की ज़मानत करवा दी, जो मेरा मुलज़िम था। डॉक्टर साहब ने उनसे प्लाट लिए, वो प्लाट फ़रोख्त किए, और मुझे ये उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया मेरे पास आ गया है, तो 20 लाख रुपया जो मैं आपको पे करता हूँ। फिर वो लेतोलाल से काम लेते रहे। हफ्ता 15 दिन बाद उन्होंने बताया कि ये हम आपको पेमेंट इकट्ठी दे देंगे। वो मेरे कहीं पे लग गए। फिर उन्होंने जब 3 माह का वक्त आया पेमेंट का, उन्होंने 3 माह मुझसे और ले लिए, मैंने 3 माह उन्हें और दे दिए। इस दौरान किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन मेरी मुलज़म के साथ और किसी के साथ नहीं, सिर्फ डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब ही इस मामले को हल कर रहे थे। तो 14 अगस्त उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको पेमेंट सारी अदा कर दूंगा। वो उन्होंने मुझे पेमेंट अदा नहीं की, महीना 1.5 महीना और गुजर गया। फिर मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को लिखा, फिर मैंने एंटी करप्शन में लिखा और उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी कि मेरे मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उनका लेटर जो है सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, वो यहाँ पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ फैसलाबाद को आ गया 17 तारीख को कि 15 दिन में इसकी इंक्वायरी करें। इसी तरह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने उनकी इनिशियल इंक्वायरी की और वो रेगुलर इंक्वायरी में चले गए। मुझे जो यहाँ पे मसला पैदा आ रहा है वो ये हो रहा है कि एक सियासी शख्सियत हैं, MPA हैं, वो हर जगह पे मौजूदा गवर्नमेंट के MPA हैं ना। वो ये डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक साहब की वो पुश्त पनाही कर रहे हैं, MS साहब उससे डरते हैं। आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में वो कॉल करते हैं, वो केस को आगे नहीं चलने दे रहे। आज 15 दिन का टाइम बार भी गुजर चुका है, वो अच्छा खासा प्रेशर उन्होंने डाला हुआ है कि इसकी वो इंक्वायरी भी जो है वो ना हो, जबकि हुकूमत पंजाब ने ये लिख दिया हुआ है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज़ हैं और जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, हमारा अच्छा खासा पैसा होता है, खून पसीने की कमाई है, हम अपनी फैमिली से दूर रह के साल हर साल वहाँ पे गुजार के जब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये सियासी गुमाश्ते और ये इस किस्म के शुरफा ये हमें लूटते हैं। और इस अब कम से कम मैं अपने किसी दोस्त रिश्तेदारों को ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आए। आज 1.5 साल हो चुका है मैं अदारों के धक्के खा रहा हूँ, यहाँ पे ज़र्रे मुबादला लेके आया ना, हुंडी के ज़रिए लेके आया ना, मैं किसी और रास्ते लेके आया। मैंने इस वतन का ख्याल रखते हुए, अपने वतन का ख्याल रखते हुए बैंक्स यूज़ किए, मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की, मैंने कोई 2-4 रुपये 5 रुपये का मैंने ख्याल नहीं किया कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए ताकि मुल्क के ज़र मुबादला को फ़ायदा पहुँचे। मुझे ये मैं इस सियासी गुमाश्ते से, इस PTI के बंदे से पूछना चाहता हूँ कि ये इसी हमारे पैसों के टैक्सेस से ये बंदा तनख्वाह ले रहा है, मराद ले रहा है, ये मुल्क कैसे चलाएगा? ये गवर्नमेंट में है, ये आज अगर हमारी दादरसी नहीं होगी यहाँ पे, हम यहाँ पे आते रहेंगे, लुटते रहेंगे,
ये गवर्नमेंट के एमपीएस ये हमारे हमको रोक लेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलने देंगे, ना मेरे पास कोई बंदूक है ना मेरे पास कोई बदमाश हैं जो मैं इन लोगों का मुकाबला कर सकूं। मैंने एक लेजिटिमेट रास्ता इख्तियार किया है, मैंने जो अदारे मुतलका अदारे वहाँ पे गया हूँ, मैंने मुतलका जो फोरम्स हैं उनके पास गया हूँ, और आज आप मुतलका लोग हैं जिन्हें मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ ये कुछ हो रहा है।